हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग बिल्कुल रेडी है। तो चलो आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करती हूँ। यह मैं हिमाचली स्टाइल में, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ मैं इसको। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों, पालक, मेथी और बथुआ को मैंने मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा लेके, और उसको अच्छे से वॉश करके मैंने काट लिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी साथ में, मैंने जब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी तो उसमें मैं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक साथ ही डाल दूँगी बॉईल करने के लिए। तो चलो मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। आज मैं हिमाचली स्टाइल में साग बना रही हूँ, सरसों का साग। तो मैंने यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं डाल दूँगी सरसों जो मैंने मिक्स करके मैंने इसको काट लिया था, मेथी, बथुआ, पालक। तो इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ साग को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं चावल। तो चावल को मैंने आधी कटोरी मैंने ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमारे हिमाचल में बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है इसको, सरसों के साग को। आप, मैंने यहाँ बासमती राइस लिए हैं, आप यहाँ पे बारीक, जो बहुत बारीक चावल होता है वो भी ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से 2 से 4 मैंने यहाँ डाल दिए हैं हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। अदरक को आप कूट कर भी डाल सकते हैं या इसके पीस करके भी डाल सकते हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हैं। यहाँ डाल दूंगी मैं 1 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने अभी 1 चम्मच डाला है, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में भी नमक डाल दूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी। पानी में यहाँ 2 ग्लास डालूंगी इस साइज़ के। अब मैं साग को बॉईल करने के लिए रख दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसमें 2 से 3 सीटी इसमें आने दूंगी, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूंगी और फिर इसको स्लो फ्लेम पर इसको मैं पकाऊंगी। कम से कम आधा घंटा मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो चलो मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। साग हमारा बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको मैशर की सहायता से इसको बिल्कुल मैश कर लूँगी। मैं इसको बिल्कुल बारीक मैश करूँगी। साग हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें लगा दूँगी ओटन। तो मैंने ओटन लगाने के लिए यहाँ पे मक्की का आटा लिया है, तो मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मक्की के आटे का ऑटन लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट साग का आता है, और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको तब तक मैं हिलाती रहूँगी जब इसकी, जो हमारा आटा है इसकी गांठ नहीं बननी चाहिए। बिना रुके इसको हिलाते रहना है ताकि बहुत अच्छे से आटा इसमें मिक्स हो जाए। हम जितना हाथ की सहायता से जितना हम इसको मैश करेंगे, हमारा साग उतना ही पतला और उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो एक बराबर ये मिक्स हो जाएगा इसमें। साग हमारा बहुत अच्छे से उबल चुका है और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये
कितना पतला ये बना है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है ओटन लगा के। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। चावल बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साग और चावल बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं ये। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी और बिल्कुल हिमाचली स्टाइल में मैं इसको बना रही हूँ, तो आप देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये तरीका साग बनाने का आपको कैसा लगा, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं लगाती हूँ इसमें तड़का। मैंने यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो आप देख सकते हैं कढ़ाई को गर्म होने दूंगी। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच के लगभग डाल दूंगी सरसों का तेल। मैंने साग को सरसों के तेल में ही तड़का लगाना है। सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का, तो मैं मोस्टली खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा। 1 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया साबुत धनिया। साबुत धनिया को मैं क्रश कर लूँगी हाथ से। इसको मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का मैंने एक पेस्ट ले लिया है। मैंने इसको मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। मैंने एक यहाँ पे मीडियम साइज़ प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ 2 मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको डाल दूँगी मैं। प्याज को मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक पका लिया है, तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ डाल दूंगी जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आधा चम्मच डाल दूंगी मैं नमक। नमक मैंने साग को बॉईल करते हुए भी डाला था, तो मैंने यहाँ 1/2 ही चम्मच डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए सॉटे कर लूँगी। तो मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें साग। तो साग को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल बारीक कर लिया है मैंने इसको, और मैंने इसको बिल्कुल हाथ की सहायता से बारीक करा है। मैंने इसको मिक्सी पे नहीं चलाया है, तो हम जितना इसको हाथ की सहायता से घोटते हैं उतना ही ये टेस्टी बनता है। बिल्कुल गांव वाला टेस्ट इसमें आता है। तो मैं यहाँ पर हिमाचली स्टाइल में मैं सरसों का साग बना रही हूँ। बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल है ये। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकने दूँगी, ताकि इसमें जो मेरे मसाले थे और जो साग था वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं पका लूँगी। इसको पकाने के बाद मैं लगाऊँगी इसमें हींग का मेड़का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ले लिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साबुत धनिया ले लिया जिसको मैंने हाथ की सहायता से क्रश कर लिया है। अब मैं इसको हल्का सा भून लूँगी, और यहाँ ले लिया मैंने देसी घी। थोड़ा सा ले लिया मैंने हींग। इसका मैं तड़का लगाने वाली हूँ।
एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा है ये, हमारा तड़का लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने घी में हींग डाल के और जो मैंने लाल मिर्च और साबुत धनिया को मैंने रोस्ट करा था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से मैंने पका लिया है घी में। अब मैं इसका लगाऊंगी तड़का। देगी मिर्च मैं लास्ट में डालूंगी ताकि ये जले ना। तो मैंने यहाँ देगी मिर्च का तड़का लगा दिया है। अब मैं इसको साग में छौंक लगा दूंगी इसका और इसको ढक्कन से बंद कर दूंगी। इसको मैं 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दूंगी ताकि इसमें जो इसका जो टेस्ट है देसी घी का और हींग का वो साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये वाली रेसिपी और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको मेरा ये तरीका स्टाइल बनाने का कैसा लगा साग का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो अब मैं इसको करूँगी गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ सर्व। तो साग बना हो और मक्की की रोटी के साथ ना खाया जाए तो बात ही नहीं बनती है। तो इसको मैं गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ सर्व करूँगी। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसको यहाँ मक्की की रोटी के साथ सर्व करूँगी गर्मा गर्म। तो चलो मैं करती हूँ इसको सर्व। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।